सभी को नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने डॉक्टर सेवाकांत पाठक, सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं मानव की संपूर्ण समझ में, जो मानव से शुरू होती है और संपूर्ण अस्तित्व तक समाप्त होती है, उसके अंतिम चरण के लेक्चर में है। आज हम लेक्चर नंबर 28 के सेकंड पार्ट को लेके उपस्थित हैं, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में मानव के डिजायर, मैं का जो फंडामेंटल डिजायर है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, सुख की निरंतरता, जो मेरी आवश्यकता है, जिसको ज्ञान के द्वारा, सही नव भावों के द्वारा और नए विचारों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। और यह मेरी आवश्यकता है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जिस शरीर में रहता हूं, उस शरीर का उपयोग मैं हथियारों की तरह करता हूं, और हथियार का प्रयोग किस लिए करता हूं? अपने डिजायर को, चाहना को प्राप्ति के लिए। और हमारी चाहना क्या है? सुख की निरंतरता, उसको प्राप्त करने के लिए। अब इसको प्राप्त करने के जो समाधान के रास्ते दिखाए गए थे, वो ये नौ रास्ते हैं। इन नौ सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। इन नौ सीढ़ी को तीन तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला तीन हमारा टैलेंट है, दूसरा तीन पर्सनालिटी है, तीसरा मेरा समाज है, मानव का समाज है, मैं का समाज है। तो ये नौ चरणों को समझ के हम अपने जो मूल चाहना है, फंडामेंटल डिजायर है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी चर्चा कर चुके हैं। इस कड़ी में मेरे मैं की क्या क्रियाएं होती हैं मेरे अंदर, हमारी शक्ति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, हम B2 से B1 में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है, इसके विषय में भी चर्चा कर चुके थे। इसके बाद इस अस्तित्व में चारों आर्डर में चीजें हैं कैसे, बदलती कैसे हैं, और इसका शरीर में जो मेरी ज्ञानावस्था ह्यूमन आर्डर है, इसका हमारे अंदर जो मैकेनिक्स है, इससे इसका क्या संबंध है, इन संबंधों की चर्चा हमने पूरी पूरी कर ली है। इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था स्लाइड में कि मैं ही प्रधान हूं, मुझे ही चाहिए सुख की निरंतरता और मुझे ही प्राप्त करनी है, और इसीलिए मैं आया हूं, जिसके लिए मुझे ज्ञान समाधान की जरूरत है। उस समाधान की जरूरत किसके लिए है कि आपस में संबंधों को ध्यान में रखते हुए कार्य व्यवहार के माध्यम से बड़ी व्यवस्था में भागीदार बने। क्या प्राप्त करने के लिए? सुख की निरंतरता। इतनी तक चर्चा हम कर चुके थे पिछले में। अब तक का जो प्रोजेक्ट है या जो चीजें हमने कहा है, वह सिर्फ और सिर्फ पुराने लेक्चर से अपने को कनेक्ट करने के लिए कहा है। अब यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमारी फंडामेंटल डिजायर साथ पे हमको दिखाई दे रही है। जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है, उस डिजायर को मैं यहां दिखा दे रहा हूं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, इसी के लिए मैं आया हूं, और इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारा
सही समझ, थिंकिंग हमारी बेस्ड हो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे, इस पे भी काफी चर्चा कर चुके हैं, और नव भावों के अनुभूति के साथ और सही विचार के साथ समाधान की प्रक्रिया में चलते हैं, और समाधान की प्रक्रिया में चलते हैं तो समाधान की अस्पष्टता जो नौ चरणों की चर्चा की थी उसकी चर्चा एक बार पुनः करेंगे इस समझ की कड़ी में दूसरे पार्ट में। मैं जैसा मैंने पहले पिछले लेक्चर में कहा था कि इस नौ को तीन तीन पार्टों में, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हर में तीन तीन है जिसमें टैलेंट को देख रहे हैं। पिछले स्लाइड में जो B1 B2 था, जो ज्ञान है वो B1 का पार्ट है, विजडम जो है B1 का पार्ट है, और जो साइंस है वो B2 का पार्ट है। जब हम येलो जोन से पर्पल जोन में ट्रांसमिट होते थे, टैलेंट है, इसके बाद पर्सनालिटी है, फिर मानव समाज है। चलते हैं देखते हैं पहले तीन को। पहले तीन में पहली चीज को देख रहे हैं 3.1 को, सही समझ को। सही समझ क्या है? सही समझ एक लाइन का है, जो जैसा है वैसा मैं देखता हूं वास्तविकता में, न कोई बनावट हो न कोई वेरिएबल ला हो, जो सहज स्वीकृति पे आधारित हो, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड हो, जो इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी इकाइयों को सुख प्रदान करने वाला हो, उस पैरामीटर पे जांचते परखते हुए किसी भी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से और वास्तविक रूप से अगर हम देख पाए तो यही ज्ञान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है न इससे कम कुछ। और यह ज्ञान किसको चाहिए प्रश्न उठता है, तो यह ज्ञान मुझे ही चाहिए, और यह ज्ञान किस माध्यम से मिले और किसको जानना है, अस्तित्व क्या है, मेरे अतिरिक्त कौन कौन सी इकाइयां इस अस्तित्व में रहती हैं। अब इसको जानने के लिए हमको क्या चाहिए? मानव का ज्ञान, दूसरे मय का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानव के व्यवहार का ज्ञान, ये चाहिए तीन चीज। देखिए ये मिलेगा कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? मेरे अंदर जो क्रियाएं होती रहती हैं, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, इसको देखने से पहले इस स्लाइड को देख ले एक बार। कंटेम्पलेशन, चिंतन, बोध और अनुभव, अंडरस्टैंडिंग एंड दिस, ये पर्पल B1 में देख ले इन चीजें हैं। कंटेम्पलेशन मेरे ज्ञान को जगाने के लिए यह तीन चीजों का जगाना मेरे अंदर बहुत जरूरी है। कंटेम्पलेशन, चिंतन को नेचुरल बेस्ड एक्सेप्टेंस बेस्ड कंटेम्पलेशन, यह हमारी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कहीं हमको लाना नहीं है, देखना है, समझना है, पहचानना है। जो ज्ञान है वह भी मानव का इनेटनेस है, यह भी इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, और सहस्तित्व का ज्ञान अनुभव किसका, स्वस्तित्व का ज्ञान किसका, इनेटनेस का, और चिंतन किसना किसका, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक का करना पड़ेगा।
इन तीनों चीजों का चिंतन करते हुए आ जाएं, देख लें। हमने कहा इस चीज की चर्चा, इस ग्राफ की चर्चा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, कहा था कि इच्छा, विचार और आशा हमारी शक्तियां हैं। इच्छा है सुख की निरंतरता की प्राप्ति, जिसके लिए विचार और आशा की बात करते हैं तब हम लोगों के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं। और जब हमारी सिलेक्शन और टेस्टिंग नीचे से ये शुरू होता है, समझाने के लिए भी सिलेक्शन और टेस्टिंग, अगर गोल हमारा जीवन का लक्ष्य मालूम है तो मुझे क्या चाहिए, सुख और समृद्धि की निरंतरता, संवेदनाओं के माध्यम से सही रूप से हम पकड़ पाते हैं, तब मेरी सही शुरुआत होती है। तब मेरा जो है नौ भावों के साथ जब हम ये कार्य करते हैं तो हम परतंत्रता की गुलामी से निकल के स्वतंत्रता में आते हैं, प्री कंडीशनिंग की थिंकिंग से हटके नेचुरल एक्सेप्टेंस की स्वीकृति में आते हैं। हम सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव को प्रथम स्थान पे रखता हूं। ऐसा करते हुए जब मैं विश्लेषण और तुलना करता हूं, अस्तित्व को ध्यान में रख के हार्मोनी, नेचर, न्याय, सेंस, हेल्थ एंड बॉडी, प्रॉफिट, यदि इन सब चीजों को ध्यान में रखता हूं, अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए इस ब्रह्मांड में जितनी भी इकाइयां हैं सब इकाइयों से मेरा संबंध है और संबंधों के निर्वहन के थ्रू ही जो मेरा अल्टीमेट गोल है, सुख के निरंतरता की प्राप्ति का गोल है, उस गोल को मैं प्राप्त कर सकता हूं। देखें, और ये करते हुए जब मैं आगे बढ़ता हूं तो क्लैरिटी के साथ, संबंधों की स्पष्टता के साथ जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं, तब ये चित्रण और चिंतन, कंटेम्पलेशन, जिसकी पिछले में चर्चा किया था, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, तब B2 से B1 में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, तब हमको संबंधों की अस्पष्टता के बारे में पता चलता है। और ऐसा करते हुए आगे चलते हुए बोध और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन किसका है, क्लैरिटी आपको इसका संबंध ही को एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस है वो वास्तव में को एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है सो अस्तित्व ही अस्तित्व है, इसकी अस्पष्टता। और यही जो है अस्तित्व ही सब, मतलब कि मैं ये इकाइयां ही सब अस्तित्व में डूबी हुई हैं, सब मर्ज गए और इनका दोनों में आपस में संबंध है। तब मैं कार्य व्यवहार के माध्यम से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता, सुनिश्चित करता हूं। जब मैं मानव के साथ करता हूं तो वह सुख की प्राप्ति, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ करता हूं तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव, और अनुभव करते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। और ऐसा भागीदार बनते हुए खंड मात्रीय समाज और मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होता। यह है उभय सुख, अखंड समाज, व्यवहार के द्वारा मानव का, मानव का, मैं से मैं का, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जो कार्य करते हैं हम, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी करते हैं तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव। और ऐसा करते हुए जिस मानव लक्ष्य की तो पूर्ति है, जो इसके लिए हम पैदा हुए हैं, जो सुख के निरंतरता की हमारी मूल चाहना है, उस चाहना की दिशा में हम बढ़ते हैं, तब मैं सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ता हूं। और इसीलिए इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, जो हमारी नौ सीढ़ियां थी समाधान के, जो रास्ते थे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग,
अब उसको समझाने के बाद नौ रास्तों को मैं ऊपर से नीचे आता हूं, जरा ध्यान से, कंफ्यूजन में न रहे कि मैंने नीचे से ऊपर कहा, अब ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तीन था, नौ सीढ़ियां हैं जो क्लैरिटी है फंडामेंटल डिजायर को प्राप्त करने के लिए, हमारी नौ सीढ़ियां चलनी पड़ेंगी जो रिजोल्यूशन के समाधान के रास्ते थे 3.1 से लेकर 3.9 तक। तो ये जो पहली तीनों है, जो मेरा टैलेंट कहा जाता है, पहली चीज हमको क्लैरिटी हो को एग्जिस्टेंस, अब ऊपर से हम नीचे आते हैं। देखें, समझाने के लिए आपको नीचे से ऊपर ले गए थे, अब स्टेप के लिए ऊपर से कहां आ रहे हैं, नौ चरणों के लिए ऊपर से नीचे। जब हमको सह अस्तित्व की, पूरे अस्तित्व में जो सह अस्तित्व है उसकी अस्पष्टता होगी, इस बात की अस्पष्टता कि सभी इकाइयां अस्तित्व में डूबी भीगी है, उसके साथ सहसंबंध में है, इसका अनुभूत जो परमानंद की प्राप्ति के लिए है, कि प्राप्ति होती है वो तब ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे तभी दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद दूसरी सीढ़ी है विजडम की। ज्ञान रहेगा तब हमको पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में, शून्य में जितनी भी इकाइयां हैं, जितने प्रकार की, जितनी संख्या में, सबकी सब के साथ अपने संबंधों को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को जान पाएंगे। और ऐसा करते हुए जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनूंगा, तब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। देखें, जरा एक इस स्लाइड को देख लें, पीछे आ जाए, बहुत तेजी से बढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहला है जब परमानंद के ज्ञान को हो, टैलेंट को, ज्ञान अगर हो गया तो विजडम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल, मानव के लक्ष्य की पहचान कब होगी, लक्ष्य की पहचान कब होगी, मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता है कब होगी, जब स्वयं के साथ और इस ब्रह्मांड में सभी इकाइयों के साथ संबंधों की पहचान और संबंधों का निर्वहन अगर हम सुनिश्चित कर पाएंगे तब इसकी शुरुआत होगी। याद रखें, तब इसकी शुरुआत होगी, तब हम बड़ी व्यवस्था की भागीदार बनेंगे। और ऐसा करते हुए जब हम आगे B1 से B2 में आएंगे, देखिए अभी हम आपको B2 से B1 में ले जा रहे थे आपके ज्ञान, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक बार समझ आ गई तो हम कहां से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम B2 में आते हैं, जब हम हारमोनी, टू बी स्टेट ऑफ हारमोनी क्या है, न्याय क्या है, सत्य क्या है, जब सेंसेस गाइडेड हो, हेल्थ प्रॉफिट गाइडेड हो हमारे, और वैल्यू बेस्ड हो, गोल निर्धारित हो, तब मुझे कैसे प्राप्त होगा इसके विज्ञान का पता चलता है। देख लें 3.3, तीसरी सीढ़ी, पहला क्या है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा क्या है जब क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप हो जाए और बड़ी व्यवस्था में भागीदार के लिए खड़े हो जाए, तब हम अपने लक्ष्य को जान पाए। और लक्ष्य मिलेगा कैसे, जब तीसरे में आ जाए, को एग्जिस्टेंस को समझते, हारमोनी, जस्टिस, ये सब। ऐसा करते हुए जब मैं
मानव के साथ व्यवहार करता हूँ, किसी दूसरे मय के साथ, किसी दूसरी चेतना के साथ, इन्हीं आधारों की 3.1, 3.2, 3.3 के साथ, तब मुझे वह सुख की प्राप्ति होती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। मैं भी सुखी होऊंगा और दूसरा भी मैं सुखी होगा। और शेष प्रकृति के साथ जब कार्य करूंगा, शेष प्रकृति में कौन, पदार्थ की अवस्था, प्राण की अवस्था और जीव की अवस्था, समस्त प्रकार के लोगों के साथ और जितनी संख्या में है, जितनी फ्रीक्वेंसी में है, तब मैं कार्य करूंगा। कार्य, ये कार्य की श्रेणी में आएगा 3.5। और ऐसा करते हुए मनुष्य बड़ी व्यवस्था में जब मैं भागीदारी करूंगा, जब मैं कार्य करूंगा तो मटेरियल का को लेके मेरे अंदर समृद्धि का भाव आएगा कि यह मेरी जरूरतों से अधिक है और टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी में कैसे रहा। जरूरतों से अधिक से काफी ऊंचे उठ गए हैं, कार्य करेंगे, उनके साथ संबंधों को सही सही स्थापित कर पाएंगे, ठीक है, उनके साथ न्याय कर पाएंगे, तब ये जो व्यवस्था है अस्तित्व की, इस बड़ी व्यवस्था में हम भागीदार बनेंगे। ऐसा करते हुए मानव लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ेंगे, और मानव लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, या कार्य व्यवहार, व्यवहार कार्य और भागीदारी, ये 3.4, 3.5, 3.6 यह समाधान के दूसरे में से तीन लोग हैं। अब अंतिम तीन लोग की तरफ चलते हैं। जब कार्य के साथ व्यवहार को करते हुए आ जाए, जब मानव के साथ व्यवहार करेंगे तो वह सुख मिलेगा जो 3.1 अखंड मानवीय समाज की तरफ ले जाएगा, तब हम समझेंगे कि मैं का भेद नहीं, तब ये जो मेरी गलतफहमी है अब नहीं रहेगी कि मैं तो किसी को दुखी नहीं करना चाहता लेकिन दूसरा मुझे करना चाहता है कि नहीं, इसको लेके मैं सशंकित नहीं रहूंगा। अगर दूसरे के कॉम्पिटेंस में कोई कमी है तो उस कॉम्पिटेंस को उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा, वो कॉम्पिटेंस का इश्यू है इसका। और जब मैं 3.5 कार्य और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए मानव के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ूंगा, तब हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था की तरफ जाऊंगा। ऐसा करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी मैं मानवीय परंपरा के को कायम रखने की दिशा में एक सीढ़ी आगे जा पाऊंगा। देखिए, और जब ऐसा करता हूं, ऐसी चीज आगे करता हूं, तब मुझे सुख, शांति, संतुष्टि, संतोष और मेरे अंदर को एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन, परमानंद की प्राप्ति का रास्ता चलेगा। यही है प्रोग्राम, सुख, शांति, संतुष्टि, संतोष और सह अस्तित्व का आनंद ही, अनुभूति ही परमानंद की प्राप्ति की दिशा में होगा। देखिए, तब हम बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में कार्य कर पाएंगे। देखें, इन दोनों को मिला के ये कहा जा रहा है, सार्वभौमिक जो अस्तित्व ही अस्तित्व है और यही जो है इकाइयां, इसमें ये सभी इकाइयां
अस्तित्व में डूबी भीगी हुई है, क्या है, कैसे बनी है, इन सारी चीजों का जो मूल्यांकन है वो इसी ग्राफ में दिया गया है। देख लें इस बात को, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं और यह है इस अस्तित्व का। यहां देखिए जो कर्जर घूम रहा है, ये पूरा का पूरा जो है चार मटेरियल की चारों अवस्थाओं का है, पदार्थ की अवस्था, बायो ऑर्डर, फोनिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, जो प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, इस प्रक्रिया को इसमें जो ये तो मटेरियल की अवस्था है जिसमें कंपोजिशन डिकम्पोजिशन का खेल तो चलता ही रहता है। देखिए आ जाए इन पूरी चीजों को ध्यान से समझिए, क्योंकि आपका अटेंशन ही कुछ सही बात यहां सिखा सकता है। इसको सही रूप से थोड़ा कर ले, अस्तित्व बराबर स्वस्तित्व बराबर इकाइयां शून्य में डूबी देगी हुई, इन सारे ऑर्डरों को एक बार पुनः दिखाया गया है। इसको देखें कि पूरा जो है अस्तित्व जो है दो पार्ट में है, अस्तित्व में इकाइयां हैं और स्पेस में डूबी भीगी है, इकाइयां मटेरियल है और एनर्जी है, दोनों का मटेरियल है और मटेरियल और एनर्जी का मिश्रण है। समझिए जब ये मैटर, मूल रूप से मैटर तो सब है, तो जब मैटर है तो लिमिटेड इन साइज है, क्रियाशील है, श्रम की व्यवस्था में है, ऊर्जित है और अपने संबंधों को ये समझता है और निर्वहन भी करता है। अब ये इसका जो है कहा गया ये जो यूनिट है, इकाइयां है, ब्रह्मांड में दो पार्ट में है, इसमें मटेरियल और चेतना है। ये मटेरियल जो है टेम्पोरी है, यह संबंधों को समझता है और पहचानता भी है, फिजिकल आर है, पदार्थ की अवस्था, केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ा होगा, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर लम्प और फ्लूइड का निर्माण, सभी निर्जीव चीजों का निर्माण, इन्हीं फ्लूइड से जो पदार्थ की दूसरी अवस्था है, वनस्पति की अवस्था, जीव अवस्था, प्रैनिक ऑर्डर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो प्लांट सेल बना, प्लांट्स बने, ये दूसरा ऑर्डर। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, एनिमल ऑर्डर, कब होता है, जब जो इसका यूनिट का दूसरा भाग है चेतना मैं इसके अंदर आ जाता है। ये मैं क्या करता है, जानना पहचानना कंटिन्यूअस है, ये नेचर में कंटिन्यूअस है, इसके अंदर एज्यूम करना, जानना, एज्यूम करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना और निर्वहन करना, जानना पहचानना मानना और निर्वहन करना, मानना जानना जानना मानना पहचानना और निर्वहन करना, ये सारी प्रक्रिया चेतना के द्वारा इसके अंदर जुड़ जाती है। लेकिन अगर इसी एनिमल बॉडी में, देखिए इसी सेल्फ में, इसके साथ और जुड़ जाए ज्ञान, अगर इसके साथ नॉलेज जुड़ जाए, नॉलेज क्या है, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, ब्राह्मण
देखिए ये जो मैटर और डी मैटर का खेल है, रचना विरचना का खेल चलता रहता है इसमें। यह भी साइक्लिक है, यह भी साइक्लिक है, इसी में चलेगा। लेकिन ये जो क्रिया है चेतना की, ये नॉन साइक्लिक। बॉडी बनेगा बिगड़ेगा, कोई चीज होता है, कोई घाव लग जाता है तो ये फिर रिकवर कर उसका। ये मटेरियल में भी रचना विरचना का खेल चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है वो साइक्लिक नहीं है, ज्ञान साइक्लिक नहीं होगा, खत्म होगा, होगा खत्म होगा, ऐसा नहीं। के नाम से यह सही आचरण के द्वारा, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा, निश्चित मानव विचार के द्वारा, आचरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है शिक्षा संस्कार के माध्यम से। और यही सार्वभौमिक मानव की व्यवस्था, मानव का आर्डर है। और यही डेवलपमेंट, मानव के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में यही सहायक होता है। चलिए, मैं की समग्रता की समझ में, इसकी आकांक्षाओं की समझ में और आकांक्षाओं की पूर्ति के अंतिम लेक्चर के द्वितीय भाग को यही विराम देते हैं। अगले पार्ट में फिर इसी को लेके, इसके आगे के भाग को लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। इस पूरे लेसन को, पूरे सिलेबस को, पूरे कंटेंट को एक बार पुनः समझने की कड़ी में। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे।